नमस्कार दोस्तों, सौरभ ज्ञानियर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको हेमप सिरप के बारे में जानकारी देंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी होती है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको हेमप सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल सौरभ ज्ञानियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें हेमप सिरप के मार्केट प्राइस की, तो इसकी मार्केट प्राइस 195 रुपये है। फ्रेंड्स, इस सिरप की मार्केट प्राइस समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है, और यह सिरप 200 ml की पैकिंग में आती है। बात करें इस सिरप की कंपनी के बारे में, तो इसे कैडला फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बात करें इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में, तो इस सिरप के कंपोजिशन में फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, क्यूप्रिक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बात करें इस सिरप के यूजेस के बारे में, हेमप सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, तो यह एक बहुत ही बेहतरीन सिरप है। इसका इस्तेमाल कमजोरी और खून की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। खून की कमी और कमजोरी के कारण जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि आलस आना, चक्कर आना, इसके अलावा हाथों या पैरों में दर्द होना, हाथों या पैरों में झुंझुनाहट महसूस होना, इसके अलावा हड्डियों में दर्द होना, सर दर्द होना और थोड़ा सा काम करने पर आलस महसूस होना, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल करने से भूख भी अच्छी तरह से लगती है, वज़न भी बढ़ता है और दुबला पतला शरीर मोटा भी होता है। फ्रेंड्स, इस सिरप का इस्तेमाल करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कि शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण थकान, कमजोरी, आलस आना, चक्कर आना, यह सभी समस्याएं होती हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप का इस्तेमाल करने से बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही बेहतरीन सिरप है कमजोरी और खून की कमी दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। हेमप सिरप का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए? इस सिरप की नॉर्मल डोज की बात की जाए, तो एक एडल्ट व्यक्ति में इस सिरप की नॉर्मल डोज 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, तभी इस सिरप का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस सिरप की डोज उम्र और वज़न के हिसाब से अलग अलग होती है, और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है यह उसकी समस्या के ऊपर निर्भर करता है। तो डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में सिरप का इस्तेमाल करने को कहें, आप उतनी मात्रा में इस सिरप का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हेमप सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट में जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में गैस बनना, दस्त होना, सरदर्द होना, यह सब इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि किसी किसी को होते हैं, सबको नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को लेने के बाद यदि आपको कोई ऐसी समस्या होती है, तो इस सिरप को बंद करके अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की जानकारी हेमप सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।